जगम भी मेरी केड़ी बर्थडे वे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मुझ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असकर। और दोस्तों इस दफ़ा फिर काफ़ी दिनों का गैप हो गया, जिसकी माजरत चाहता हूं। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो कबूतर की दुम की गांठ या दुम कदा, जिसे कहते हैं सारे कहते हैं वो मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा क्यों नहीं होना चाहिए, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों को मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, ज़रा आज बग़ैर नोटिस के आज लाइव आया हूं, तो ज़रा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। आज मैंने कुछ अपने दिल की बातें भी करनी है, क्योंकि आजकल एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की गई है मेरे ख़िलाफ़, तो उस पर भी मैं कुछ दोस्तों के मुझे कॉल और मैसेजेस आए थे, मैं चाह रहा था कि उस पर भी बात हो जाए और साथ में आप लोगों से जो गपशप है वो भी हो जाए। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं। ज़ुल्फ़िकार हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, ज़ैगम अब्बास भाई माय लव की हाल है मेरे परादा, मलक अदील नंबरदार साहब वालेकुम सलाम, कैसे मुगल साहब क्या हाल है आपके, ठीक है सब करिए। काइंडली ज़रा दोस्तों फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें, ताकि और दोस्त भी शामिल हो सकें। फिर अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, काइंडली ज़रा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, क्योंकि बग़ैर नोटिस के हम पहले वैसे घंटा डेढ़ पहले नोटिस डाल देते थे कि जो है वो लाइव आज करना है, तो काइंडली ज़रा कर दे सर आप क्लीम खान चन्नड़ मैर। सर आप सिंधी, मैं पाकिस्तानी हूँ क्लीम खान, ना सिंधी ना बलोची ना पंजाबी, मैं पाकिस्तानी हूँ। उर्दू भी मेरी, सिंधी भी मेरी, पंजाबी भी मेरी, बलोची भी मेरी, सारा कुछ मेरा, मैं पाकिस्तानी हूँ और उससे पहले मुसलमान। जी जी जगम भाई क्या हाल है आपके, ठीक है सब खैरियत है, मेहरबानी आपकी। काइंडली ज़रा दोस्तों फेसबुक पेजेस और ग्रुप में शेयर करें। क्लीम भाई आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो मेरी कॉस्ट है, थीम कॉस्ट मेरी है, वो सिंध में भी बहुत ज़्यादा है, इधर हमारी सराइकी बेल्ट में भी बहुत ज़्यादा है, और हम इधर पंजाब में, अंदरूने पंजाब से हूँ मैं। तो वकास अली भट्ट साहब, कबूतर का जोड़ हड्डी से थोड़ा नीचे होना चाहिए या ऊपर? भाई ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, जो नीचे होगा वो लटक गया, फारिग हो गया। सुहेल सावल साहब वालेकुम सलाम, काइंडली ज़रा शेयर करो यार, आज मेरी बात मान लेना, सारे दोस्त शेयर कर दे जितने दोस्त इस वक्त साथ हैं, क्योंकि मैं बग़ैर नोटिस के लाइव आया हूँ, तो ज़रा मेहरबानी कर दें। एहसन अली भाई अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम एहसन भाई, क्या हाल है आपके, सब करिए था। अच्छा दोस्तों ज़रा शेयर भी कर दें, और अगर आप लोगों का कोई कबूतरों के मतलब, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, अगर कोई सवाल है तो वो सवाल भी पूछ ले, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, क्योंकि टॉपिक आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस इशू के ऊपर भी कोई दोस्त बात नहीं करता, बहुत कम दोस्त बात करते हैं, ठीक है। जी जी क्लीम भाई, मैं इसलिए शायद आपको लगा सर जी, आँखों में बारीक ज़र्रात कौन से होते हैं, होटल हैं होते हैं बारीक ज़र्रात, अब किस तरह के पूछना चाह रहे हैं, ज़रा अरशद मुगल साहब दोबारा पूछें। मैं सर वैसे होता लाहौर हूँ, हैं हूँ हाफजाबाद का। काइंडली दोस्तों ज़रा शेयर करें, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ ले, फिर अपने टॉपिक की तरफ जब आऊँगा तो फिर आप लोगों के बाजू का सवाल के जवाब नहीं दे सकता। लकवे के लिए कोई दवा, अस अल्ताफ़ अवान साहब, मैंने एक स्पेशल मेरी अपनी कुछ मेडिसिन का एक मैंने मिक्सचर सा बनाया हुआ है, जिसका 100% रिज़ल्ट होता है लकवे और झोले के अंदर। आप जो मेरा चैनल है कबूतरबाजी के राज और मुझ, उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं करना हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो कर लीजिएगा। और वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर लकवे झोले का लिखिएगा इंग्लिश में, तो लकवे झोले की मेडिसिन जो मैंने तैयार की हुई है वो आ जाएगी। चलें इंशाल्लाह एक आध दिन में, ना कल तो नहीं, फिर परसों चौथ जो है ना वो हीरा लाल के ऊपर वीडियो बनाते हैं, और मेरा जिस दिन अब चेयरमैन सब की तरफ चक्कर लगा तो उनके साथ बात करेंगे हीरा लाल कबूतरों के मुतालिक इंशाल्लाह।
अल्ताफ़ अवान साहब थैंक यू, गफ़ार अली दावर साहब, उस्ताद जी सलाम, दावर साहब वालेकुम सलाम, जैगम अब्बास मोहम्मद इकराम भाई आवाज़ नहीं आ रही, उस्ताद जी इकराम भाई मेरी तरफ़ से तो आवाज़ ठीक है, ज़रियाब शाह साहेब, जैगम भाई आप लव वो मेरे, हड्डी और जोड़ में वक्फ़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लेकिन मुनासिब वक्फ़ा। वकास अली भट्ट साहब वक्फ़ा होना लाजिम है, मुनासिब वक्फ़ा होना चाहिए। अल्ताफ़ अवान साहब नहीं नहीं ज़रूर करेंगे, थैंक यू अल्ताफ़ भाई। अरशद मुगल साहब थैंक यू, अल्ताफ़ अवान लिंक सेंड कर दें। अच्छा जी बबे जई रावलपिंडी सलाम जी, बबे जई भाई क्या हाल है आपके, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप लोगों का कोई सवाल है तो मज़ीद दो मिनट ले लें। नदीम भाई कैसे हैं, बबे जई भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो, सब खैरियत है। मोहसिन शाह साहब वालेकुम सलाम, बख्तियार खलील साहब उस्ताद मेरे कबूतर ने परवाज़ कम कर दी है, जल्दी बैठ जाते हैं, पहले ठीक उड़ते थे, आपने उनकी खुराक का ध्यान नहीं रखा होगा, आपने बाजरा नहीं डाल रहे होंगे आप, गंदम चने वगैरह मिक्स दाना डाल रहे होंगे जिस वजह से उन्होंने परवाज़ भी कम की है। तो देखें वजह बताएं मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, उनकी तस्वीर एक बना के फिर इंशाल्लाह मैं बताता हूँ क्या वजह। कमरू जमान आज़म अस्सलाम वालेकुम, दुम कदा जी 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 कमरू जमान आज़म साहब दुम कदा पाए ना, मैं दुम कदे लिखे ये दोस्तों दुम कजा मैं कहता था। तो ये कमरू जमान आज़म साहब जो है ना वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, टाइम नहीं देते वैसे, लोगों को टाइम बड़ा देते हैं, हमें टाइम नहीं देते। तो मैंने इंटरव्यू किया था मियां नदीम बशीर का, तो उस इंटरव्यू में जब ये वहीं पे थे तो इन्होंने मेरी वहाँ पे तरमीम की थी कि दुम कदा होता है, मैंने कहा लव यू, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए सीखने का प्रोसेस हर जगह हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जो हर बात को पिक करता हूँ, अच्छी और सच्ची बात को पिक करता हूँ। तो कमर साहब का ये एहसान है मुझ पर कि उन्होंने मेरी तरमीम की कि ये दुम कदा या गांठ हो, गांठ को गांठ तो हम सारी कहते हैं, गांठ तो पंजाबी में हम कहते हैं, गांठ या दुम कदा ये कमर भाई ने, कमर भाई लव यू हो गया आपको। बिलाल खान साहब वालेकुम सलाम, बख्तियार साहब, नूर जलई जी, नूर जलई क्या हाल है आपके, शाहिद कसूरी अस्सलाम वालेकुम नदीम सर, सर स्पेशल कोई मेडिसन अंडों से रुकी हुई मादा के लिए वाइस, शायद कसूरी साहब इंशाल्लाह जल्दी एक आध दिन में इस पर मैं वीडियो बनाने लगूँ। ये अंडों से बंद मादा का जो एक स्पेसिफिक मेडिसन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफजल तला वो मैं देने लगूँ आप लोगों को जल्दी, बड़ा शानदार फार्मूला है। बस रसोली ना हो तो मादी जितनी देर की मर्ज़ी बंद हो वो सारी ठीक हो जाएंगे। सर हमारे इलाके में टूर्नामेंट अगर कुछ फार्मूला दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा जी मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, हमारे इलाके में टूर्नामेंट, अच्छा उड़ाने के लिए चाहिए कोई दौड़ी तो भाई व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना। आ की जारो वाला बहुत बात करो उस्ताद जी, जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक बताया उस्ताद जी, थैंक यू। वकास भट्ट साहब जोर की शेप कैसी होनी चाहिए, जैसे यू होता ना ये ऐसे 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 शेप होनी चाहिए। नायाब रॉयल टेडी पिजन वालेकुम सलाम, किसी ने पानी बना के दिया था उसके बाद ये मसला हो रहा है बख्तियार भाई ये तो फिर आपका अपना फॉल्ट है, कबूतरों का तो कोई इशू नहीं है। देखिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी किसी से दवा दाना पानी लो, अगर उसने आपको आधी बताई है तो चौथा हिस्सा इस्तेमाल करो, चौथा बताया तो चौथे हिस्से का भी चौथा इस्तेमाल करो, पानी किसी ने आपको एक सीसी बताया तो एक सीसी का दसवां हिस्सा इस्तेमाल करो। जब भी किसी से फार्मूला लो जो आपने अपने हाथों से ना बनाया हो, आपकी उसकी फार्मूलेशन ना पता हो उसमें क्या इस्तेमाल किया है, तो तब तक उस फार्मूले को कम से कम करते जाओ, रिज़ल्ट बेहतर आएगा। और अपने अच्छे कबूतरों को ना दिया करो, सारे कबूतरों को एक दफ़ा ना दिया करो, तो जो हल्के या ठप्पर कबूतर होते हैं उन कबूतरों को दे दिया करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी बलोच भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, न्यू कबूतर को कैसे खोला जाए जो खुल के उड़ सके, कौन सा पानी दें, बलोच भाई उन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं, धूप लगवा के 9-10 बजे उसे छोड़ें इंशाल्लाह उड़ जाएगा।
और इसके अलावा दोस्तों अक्सर ये बात करता हूँ, ये कुछ अंदर आ जाते हैं कतर के वीज़े वाले, ये सब फ्रॉडी लोग होते हैं, इनसे बच के रहा करें। मैं इन्हें ब्लॉक कर देता हूँ वैसे जो भी आता है, तो काइंडली आप लोग भी इनसे थोड़ा सा हट के और बच के रहा करें। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं करना चाहूँगा कि दोस्तों कुछ पिछले कुछ दिनों में ना, परसों की बात है शायद, कुछ मेरे ख़िलाफ़ जो है ना वो मैसेजेस चलाए गए। जिसने चलाए उसकी भी मेहरबानी और जिसने चलवाए उसकी भी मेहरबानी, मैं यही कहूँगा। और जिसको प्रूफ चाहिए मुझसे, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को मेरी ज़ात से कोई इश्यू है तो वो मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकता है, ठीक है, और इंशाल्लाह अफाका होगा। और जैसे आप लोग दोस्तों, आप लोग मोहब्बत करने वाले हो, आप मोहब्बत करते हो, और आपकी मोहब्बत ही मेरी असल ताकत है, ये मैं अक्सर व बेशतर ये बात करता हूँ। तो कुछ दोस्तों को ये मोहब्बत जो है ना वो गवारा नहीं, तंग कर रही है कि आप लोग इतना प्यार करते हो और मैं सच्ची बातें करता हूँ, तो वो जो है ना वो इशू हो रहा है। तो ये था, तो इंशाल्लाह मेरे पास कुछ इशू चल रहा था मेरी, कुछ रिकवरी का मतलब क्या था कि उसमें कुछ मेरे कुछ दिनों पहले जो मैसेज चला मेरे ख़िलाफ़, उस मैसेजेस के कुछ प्रूफ मैं देने लगूँ, कल दूँगा इंशाल्लाह बफजले ताला। तो अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ उन लोगों को, जिसने करवाया और जिसने किया, उन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा मैं, ठीक है। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग जो है ना वो इस तरह की भी बातों से नवाजते हो हम जैसे नाचीज़ बंदों को, तो ये मोहब्बत आपकी। अच्छा जी भाई, 10 साफ मादी में डालता हूँ, अंडे के साइज़ छोटा है, इसका कोई हल? भाई जान ज़रूर, इंशाल्लाह मैंने बताया ना, एक दिन मैं आपको इसके ऊपर वीडियो देने लगूँ, तो इंशाल्लाह फाका होगा। बबे जय भाई, ज़रियाब शाह साहब, इनको ब्लॉक कर दो भाई, ब्लॉक कर देता हूँ। अब्बास कंवल साहब, अस्सलामु अलैकुम उस्ताद साहब, कैसे हो आप? बस आपकी आवाज़ सुन ली काफ़ी है। अब्बास कंवल साहब, ये मोहब्बत है आपकी, थैंक यू। जख्म भाई, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अब मैं लगता है आप लोगों ने कोई सवाल नहीं करना, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले, नहीं तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आने लगूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो धूमकते के मुतालिक है। सब दोस्त बताते हैं कि धूम बारीक होनी चाहिए, बारीक नहीं है, एक पत्ता होना चाहिए, बारीक धूम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने धूमकते के ऊपर बात नहीं की। सारे कहते हैं धूमकता जो है ना वो बारीक होना चाहिए, भाई क्यों बारीक होना चाहिए? सारे कहते हैं मोटा नहीं होना चाहिए, मोटा क्यों नहीं होना चाहिए? कभी हम लोगों ने ये सवाल नहीं किया। अगर हमें कोई बताता है ना तो उससे ये सवाल पूछ लिया करो। जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों से अगर डिस्कस करता हूँ, जैसे पिछले दिनों एक टॉपिक था जिसमें पॉइंट था परवाज़ का, फिर उसके बाद जो है ना वो परों के ऊपर बात हुई। अब ये गांठ जो है, जिसे हम गंड भी कहते हैं, इसका मोटा होना क्यों ज़रूरी नहीं है? मतलब क्यों नहीं होना चाहिए मोटी? और उसके बाद जो है ना वो इसकी जो बारीक क्यों आनी चाहिए? ये एक फैक्टर होता है। सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोगों को पता होना चाहिए कि दुम का किरदार क्या है, दुम करती क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इसका फैक्टर क्या है, इसकी वजूहात क्या है, मोटी चौड़ी खुली? अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई हमने खुली दुम वाले कबूतर भी जो है वो शाम को उड़ते देखे हैं। तो भाई देखे होंगे, लेकिन ठंड में देखे होंगे, जेठ में लाओ दिखाओ टेम्परेचर में। गफार अली दावर साहब, मियाँ साहब के सारे कबूतर ही अच्छे हैं, मियाँ साहब ने जो जो कुछ बनाया अल्लाह ने उसमें बरकत डाली, और उनकी क्या ही बात है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो बात मैं कर रहा था गांठ की, तो गांठ सारे दोस्त कहते हैं कि बारीक होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो एक बात है कि अगर हम थोड़ा सा गौर करके देखें, एक हम पॉइंट देखते हैं जोड़ का, जो बिल्कुल दुमकदे के ऊपर होता है, दुमकदे के नीचे होता है, दुमकदा उसके ऊपर होता है। जिस कबूतर का अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात याद रख लीजिएगा, जिस जोड़े की एक बात, मैं यहाँ से आज अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। मलक कैश में रानी साहब, कबूतर का सियान कहाँ से पता चलता है? भाईजान इंशाल्लाह एक दिन में इस पे भी, सियान पे भी बात करते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू जी। अच्छा दोस्तों, एक बात जहन में रखें, सबसे पहले तो जब हम जोड़ा लगाते हैं तो जोड़ा लगाते हुए जब कबूतर की दुम, यार ये अंदर कॉल क्यों करते हो आप लोग,
जब कबूतर की दुम खुल जाती है तो इट्स मीन ये इस बात का साइन होता है दोस्तों, ये बात मेरी पल्ले से बांध लें, वो किसी भी ब्लड लाइन से है, किसी तरह का भी कबूतर है, टैडी है, हीरा लाल है, जो ना वो फ्रांसा है, सियालकोटी है, लो फ्लायर है, हाई फ्लायर है, फिरोजपुरी है, बांका है, किसी भी ब्लड लाइन से है, अगर उसकी दुम खुलना शुरू हो जाएगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट आप लोगों को बताने लगूँ, उस कबूतर की दुम खुलना शुरू हो जाएगी, खुलना शुरू हो जाएगी, हाथ में पकड़ेंगे तो कबूतर दुम खोलेगा, तो इट्स मीन के आपके जोड़े गलत लगे हुए हैं। उसके बाद अगला जो फैक्टर होता है कि जिसका दुम कदा मोटा होगा उसकी दुम खुले ही खुले, खुले ही खुले, खुले ही खुले होगी। अच्छा दोस्तों, बास कमल साहब का एक मैसेज पढ़ दूँ फिर आता हूँ अपने टाइम उस्ताद, एक बात समझ नहीं आती, पंजाब वाले बोलते हैं कि कराची वालों ने अपने मौसम के मुताबिक कबूतर बनाए हैं, और कराची वाले बोलते हैं पंजाब वालों ने अपने मौसम के मुताबिक कबूतर बनाए हैं, ये कैसे बनाते हैं ये बताएं आप। सिंपल सी बात है, हर पर गर्म मौसम में उड़ने वाला नहीं होता, हर हड्डी जो है ना वो तेज़ हवा के अंदर उड़ने वाली नहीं होती, हर पर तेज़ हवा के अंदर उड़ने वाला नहीं होता, हर जिस्म जो है वो 40-45-50 टेम्परेचर में उड़ने वाला नहीं होता, और हर जिस्म तेज़ हवा के उड़ने वाला नहीं होता, ये बात समझने वाली है। चले आपने अच्छा टॉपिक बताया बास कमल साहब, इस पर भी इंशाल्लाह आज एक आध दिन में वीडियो मैं बनाता हूँ और आपसे गपशप करते हैं इसी के ऊपर, बड़ा शानदार टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर करते हैं। अभी मैं जो अपना टॉपिक है उसकी तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो बात मैं कर रहा था खुली दुम की, गांठ की, आज क्योंकि बात है गांठ की, और गांठ का मतलब क्या है कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या सीधा दुम के साथ है, जिसे हम दुम कदा कहते हैं। कमर साहब लव यू अगेन हो गया, इसे क्या कहते हैं, दुम कदा, जगह जो गांठ होती है। अब ये गांठ इसका मतलब क्या होता है, ये जो गांठ होती है अगर सिमटी हुई होगी, कट्ठी होगी, छोटी होगी, दुमकदा छोटा होगा, इकट्ठा होगा, एक बात याद रख ले, जो कबूतर दुमकदा गांठ से बिल्कुल बंद ऐसे रखेगा दुम, उस कबूतर जैसा बड़ा ब्रीडर और उस कबूतर जैसा जो है ना वो बड़ा परवाजी कबूतर हो ही नहीं सकता। असगर अली साहब थैंक यू। जिस कबूतर की गांठ या दुमकदा चौड़ा होगा तो वो डेफिनेटली चौड़ा मोटा होगा, वो कबूतर को दो हिस्सों में बांटेगा। दो हिस्सों में बांटेगा मतलब क्या है कि कबूतर की डबल एनर्जी खर्च होगी दौराने परवास। अब इसकी मिसाल दुम को समझने की मिसाल मैं आपको बिल्कुल आसान फार्मूला देता हूँ। सुबह अब सारे दोस्त, अब तकरीबन सभी के कबूतर सोच में उड़ रहे हैं, कोई भी अपना कबूतर सुबह जब आप छोड़ेंगे ना, वो दुम को समेट के ऊपर जाना शुरू करेगा, क्या करेगा, दुम समेटी और ऊपर चला जाएगा, जब वो वापस आएगा ना तो दुम खुलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो बंद दुम है या फिर खुली दुम है, दुम का फैक्टर वापसी पे बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। और उसके अलावा कबूतर उड़ाया हमने 10 मिनट में, वो अपने मकाम पर चला गया जहाँ पर उसने जाकर रुक जाना है, उस मकाम से 10 मिनट निकाल दें अंदर से, बाकी वो 10 घंटे उड़ता है, वो 14 घंटे उड़ता है, वो जितना घंटे भी उड़ेगा बाकी उसका काम दुम का, और उसके बाद उसकी बगल का शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक आज सिर्फ दुम है, दुम कदा है, ठीक है, इसी के ऊपर हमने डिस्कस करनी है। कबूतर की परवास दो फैक्टर के ऊपर, कबूतर ज़मीन से उड़ा मतलब जब हमने छोड़ा आसमान में चला गया, एक मकाम पे रुक गया, जब उसने रुकना है ना तो रुकते वक्त जब उसने स्टे करना है एक मकाम, कबूतर ज़मीन से हम जब उड़ाते हैं तो उड़ाते वक्त एक मकाम पे जाके कबूतर भी रुक जाता है, जो उसकी बुलंदी होती है जहाँ पर उसने जाके स्टे करना होता है, जब कबूतर वहाँ पर अपने पॉइंट के ऊपर जाके स्टे करता है तो फिर दुम का और बगलों का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर कबूतर उड़ता नहीं है, फिर कबूतर फ्लोट करता है, हवा के ऊपर तैरता है। अब वो कबूतर तैरेगा किस के बल पे, दुम के बल पे और बगल की बल पे,
आज टॉपिक हमारा दुम है, तो हम दुम पे रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि दुम कदा चौड़ा होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, कबूतर की एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और जिस कबूतर की दुम मोटी होगी वो कबूतर बहुत ज़्यादा बुलंदी नहीं पकड़ेगा। आप अपने कबूतरों को पकड़ के देख ले, जो कबूतर सामने उड़ते हैं, जो कबूतर सामने उड़ते हैं वो घंटा उड़े, वो 2 घंटे उड़े, वो 5 घंटे उड़े, जिनका दुम कदा मोटा है वो बंद नहीं जाएगा कबूतर। क्योंकि बंद नहीं जाएगा, इस वजह से कबूतर को अपना आप समेटने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, कबूतर को कवर करने के लिए अपनी दुम का किरदार अदा करना पड़ता है। वेट रहेगा, मैं भी पंजाब से हूँ उस्ताद जी, अगर वीडियो बनाओ तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना। भाई जान व्हाट्सएप नहीं करूँगा, इसी तरह लाइव करूँगा, और इसी तरह यूट्यूब चैनल पे, ये वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे, जो मेरा कबूतर बाजी के राज़ रमूज़ का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाएगी, आप ज़रूर वहाँ पे देख लीजिएगा। मलक कसर मरवानी साहब थैंक यू, मलवाई कबूतर साहब उस्ताद जी टाइम चेंज कर दिया है लाइव का, प्लीज़ बताएं। मलवाई कबूतर साहब चेंज तो नहीं किया, बस ऐसे ही जो है ना वो शेर साहब ने, यानी मेरे बेटे ने अपना मोबाइल तोड़ लिया, तो मेरा मोबाइल उसके हाथ में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रहा। इंशाल्लाह कल से दोबारा अपनी टाइम पे वही 9 बजे इंशाल्लाह आया करेंगे। तरवीर मुगल साहब वालेकुम सलाम उस्ताद जी थैंक यू। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं दुमकदे की। अगर कबूतर का दुमकदा मोटा होगा तो गर्मी में भी, नमी में भी, और टेम्परेचर में भी, हवा में भी कबूतर की तबाही फिर जाएगी। अब कबूतर की वो तबाही कैसे फिरती है? लो जी सलमान खान साहब को भी ब्लॉक कर दें। अच्छा जी बासत भाई अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? हमारी एक कबूतरी अंडे नहीं देती है भाईजान। बासत भाई इंशाल्लाह एक आध दिन में, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो अंडों से बंद मादा होती है उस मादा का मादा के लिए एक स्पेशल दवाई आप लोगों से शेयर करने लगूँ, क्योंकि मैं तो इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास भी वैसे कुछ मादियाँ रुकी पड़ी थी, तो अभी मौसम चेंज हुआ है, तो अब मैंने उन्हें जोड़ों में भी लगाना है और साथ मेडिसिन भी करनी है। इंशाल्लाह वो दवाइयाँ अंडे देंगी, और बासित में भाई ज़रूर इंशाल्लाह मिलेंगे। हाशर अली भाई जान के दुम कटे हुए हैं वो फिर कैसे परवाज करते हैं? हाशर अली भाई तनकीद, भाई तनकीद नहीं, चैलेंज है मेरा, खुला खुल्लम खुल्ला चैलेंज, खुल्लम खुल्ला चैलेंज। हाशर भाई आपको भी जो कबूतर दुम कटा होगा उसकी परवाज कभी भी शाम तक नहीं जाएगी। टेम्परेचर में, हल्के मौसम में, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, अभी मैं लाइव आने से पहले बाहर बैठा हुआ था छत पे, तो बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो इस मौसम में वो लाजमी जो है ना वो उड़ जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं होगा। अशु के अंदर कोई भी कबूतर बंद नहीं होता, ये भी देख लीजिएगा, कबूतर जीरो में नज़र आते रहते हैं, कबूतर बंद हमेशा टेम्परेचर में होता है, ये बात याद रख लीजिएगा, और देख लीजिएगा अपने कबूतरों को भी। जी रिंगों के ऊपर भी इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगा। अच्छा दोस्तों मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, टॉपिक वही दुमकदा कबूतर। दोस्तों जिस कबूतर का दुमकदा, मैंने दोबारा रिपीट कर दे तो कुछ दोस्त अभी आ रहे हैं, जिस कबूतर का दुमकदा मोटा होगा, मोटा होगा, फिर बताने लगूँ, जिस कबूतर का दुमकदा मोटा होगा वो बंद नहीं जाएगा और जोड़ा ख़राब होगा। वो कबूतर अपना मुतलका या मतलूबा जो उसका टाइम है वो टाइम पूरा नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कबूतर की एनर्जी लेवल, अब मैंने आपको जैसे बताया कि कबूतर का अगर दुमकदा मोटा तो कबूतर 2 हिस्सों में बट जाएगा, कबूतर एक हिस्से में होना चाहिए, एक जो उसका जनरेटर है एनर्जी का, जो जनरेट करने वाला पार्ट्स है उसको एक हिस्से को एनर्जी देनी पड़े, दोनों हिस्सों को ना देनी पड़े। जब दुमकदा मोटा होगा तो वो 2 हिस्सों को एनर्जी देगा,
कौन सी, पिछले हिस्से को भी और आगे हिस्से, आगे वाले हिस्से को भी। जब दुम कदा मोटा हो जाएगा कबूतर की परवाज में आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई माँ बाप शाम तक उड़ा हुआ है, लेकिन जब हम जोड़ा लगाते हैं तो बच्चे उनके नीचे आ जाते हैं। अब वो नीचे क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि उनका दुम कदा मोटा हो जाएगा। जब दुम कदा मोटा होगा तो कबूतर की दुम चौड़ी हो जाएगी, खुलेगी। जब कबूतर, जी शुएब भाई बड़े दिनों के बाद आए आप, बासित भाई, उमैर वसीर, थैंक यू भाई। शुएब भाई क्या हाल है? उस्ताद जी दुम के पर कितने होने चाहिए ऊंचाई उड़ान के लिए? मैंने 16 परों वाले भी देखे हैं उड़ते शाम तक, लेकिन वो कबूतर जिनकी दुम बंद होती थी, दुम कदा एक होता था, यानी कि दुम कदा बिल्कुल बारीक होता था। सैफुल खान साहब, हड्डी के ऊपर इंशाल्लाह फिर दोबारा टॉपिक करूंगा, ये मैं कर चुका हूँ आज, सिर्फ दुम कदे के ऊपर बात हो रही है, तो मैं साथ साथ आपको जवाब भी दे रहा हूँ और अपने टॉपिक के ऊपर भी बात कर रहा हूँ। तो दुम कदा दोस्तों इसलिए बारीक होना चाहिए ताकि कबूतर की जो एनर्जी जनरेट होती है, जो जिस्म में जो एनर्जी जाती है, वो सारी की सारी पूरे हिस्से को एक हिस्से से जाए। जब दुम कदा जो है ना वो दो हिस्सों में कबूतर बढ़ जाएगा तो एक ही जनरेटर होगा, जो मतलब जनरेट एनर्जी जहाँ से कबूतर को जानी होती है, तो वो दोनों 12 होते हैं नॉर्मल पर, दुम के 12 पार होते हैं मलवाई कबूतर साहब। तो एक हिस्से को नहीं बल्कि दो हिस्सों को वो जो है ना वो एनर्जी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ दुम खुल जाएगी। अब दुम का फैक्टर मैं बताता हूँ, जब पहले भी मैंने बताया लेकिन रिपीट कर देता हूँ। जी फहीम गुजर साहब मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? शाह जट साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहरीन से, बहरीन पुलिस वाले, वाह वाह। उस्ताद जी एक कबूतर अपने साथ ले के बैठूं फिर ऐसी समझ आएगी? अच्छा जी, फिर इंशाल्लाह आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको साथ में कबूतर ले के बैठूं, फिर साथ साथ बात भी करूँ। अच्छा दोस्तों, जब कबूतर आसमान में उड़ता है, मतलब परवाज़ कर रहा होता है एक मकाम पे, जब जहाँ पे मैंने रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ दोबारा कंप्लीट करता हूँ अपना टॉपिक, जब कबूतर एक मकाम के ऊपर जाकर स्टे कर देता है तो वहाँ पे फिर दुम का करदार शुरू हो जाता है। अब दोस्तों कबूतर फ़र्ज़ करें एक मकाम के ऊपर चला गया तो उसने एक राउंड के अंदर उड़ना है, चाहे वो लंबा फिरने वाले कबूतर है, लंबा फिरेगा कबूतर, जो लंबा फिरता है ना कबूतर, उस कबूतर का भी एक राउंड होता है, लेकिन वो लंबा लेंथ ही राउंड होता है। और जो गोल गेड़े में उड़ते हुए कबूतर, उसने जब उड़ना होता है और चाहे वो लंबा उड़ने वाला और कबूतर होता है, उसे टर्न करने के लिए दुम की ज़रूरत पड़ेगी। अब दुम की ज़रूरत पड़ेगी, ये आज से एक साल डेढ़ साल पहले मैंने एक बात की थी कि कबूतर की दुम का दरमियान वाला जो पार होता है, अक्सर असाजा कराम ये कहते हैं ना कि कबूतर की जो दुम का दरमियाना पार है वो लंबे, दो पार जो है ना वो लंबे होने चाहिए। वो पार कौन से हैं? राइट हैंड से जो है ना वो छठा और लेफ्ट साइड से सातवां पार जो होता है, वो कबूतर की दुम का लंबा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कबूतर जो है ना वो उस दोनों परों के ऊपर कंट्रोल रख के जो है ना वो मूव करता है। अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, आप ना ज़रा गौर करके देखिएगा, जो आपके चैंपियन कबूतर है शाम तक के टेम्परेचर के अंदर परवाजे दे रहे हैं, उनके कबूतरों की दुमों के परों के जो पेपर होते हैं वो भी बारीक होंगे, और जिन कबूतरों की दुम का पेपर मोटा होगा, तीली मोटी होगी, वो कबूतर भी अच्छे नहीं होते। अक्सर मैंने आपको, आपने देखा होगा कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, किसी का इंटरव्यू करता हूँ, तो इस इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैं जो मेन पर होता है, शाह पर जिसे कहते हैं, उसकी तीली को अक्सर दुम की तीली के साथ ला के खड़ा कर देता हूँ दिखाने के लिए, यार ये देखो इसकी दुम की तीली और इसका पर एक जैसा है, बहुत अच्छा कबूतर है। और वो चैम्पियन कबूतर होते हैं ये कबूतर, जिस भी छत पे मैंने दिखाया है उन्होंने शाम तक की टेम्परेचर के अंदर परवाजें दी होती हैं, तो उनकी दुम का पेपर, उनके जो परों का पेपर बड़े 10 परों का, और उनकी जो तीली है दुम की वो भी बारीक होगी, तीली मोटी होगी, चपटी होगी, वो भी चपटी होगी, खुरदरी नहीं होगी, चुपती नहीं होगी। ये तीली की भी बात एक्स्ट्रा बात करूँ अपने टॉपिक से हटके, ठीक है? तो उसकी जो तीली है वो चपटी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, और परों के अंदर फंसी हुई होनी चाहिए। जब वो फंसी हुई होगी, चपटी होगी, कबूतर का वेट कम होता चला जाएगा। अब इसी तरह दुम कदा अगर मोटा हो जाएगा तो दुम का वज़न बढ़ जाएगा। जब दुम का वज़न बढ़ेगा तो कबूतर एथलीट नहीं रहेगा। अब फ़र्ज़ करें मैं जिस्म का हेल्दी हूँ, वैसे आजकल को 10-12 किलो वज़न कम किया हुआ है,
तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी मेरे पास इतनी सख्त नहीं है कि मैं एक एथलीट बंदे के साथ, जो स्लिम स्मार्ट बंदा है, उसके साथ रनिंग कर सकूं। तो मेरे जैसा मोटा बंदा थोड़ा सा आगे पीछे से भी मोटा हो जाता है। तो इसलिए धूमकेतु का भी यही फैक्टर होता है कि जिसकी धूम मोटी हो गई, जोड़ा खराब हो गया, वो प्रवास के दौरान तबाही फेरेगा। कभी भी कभी भी कभी भी चैंपियन कबूतर मोटी धूमकेतु वाला नहीं हो सकता। कभी भी मोटे धूमकेतु या गांठ वाला कबूतर जो है ना, वो कभी भी चैंपियन नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि इसको स्लिम और स्मार्ट होना चाहिए। धूमकेतु मोटा हो जाएगा ना, तो धूम का साइज ये आ जाएगा, क्या आएगा, ये साइज आ जाएगा और मोटा हो जाएगा, और दुम भी चौड़ी हो जाएगी, पर भी उसके चौड़े हो जाएगा। अब गौर करके देखिएगा, जो ठप्पे कबूतर होते हैं, जो ठप्पे लगाते हैं, कभी ठप्पे मार के इधर, ठप्पे मार के उधर, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं उड़ते, उन कबूतरों की जो दुमे हैं ना, उनको देखिएगा, उनकी तीली मोटी, उनका पेपर मोटा, और उसके अलावा जो उनका दुम कदा है, जो गांठ है, वो भी मोटी होगी। कबूतर को ठप्पल करने में धूमकेतु का मोटा होना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए कबूतर की ठप्पल को कोशिश ऐसी करें। अब इसको जोड़ों के अंदर हम कैसे करते हैं, कबूतर के हमेशा जो है ना वो जो है उसका मतलब 1 मिनट देंगे, बस 1 मिनट दें, मैं आपको कबूतर एक दिखाता हूँ, स्टैंड लगा लूँ, चले आपको एक ना कबूतर दिखाता हूँ, बस 1 मिनट दे दें। मैं ना कबूतर एक लेके आता हूँ, स्टैंड लगा लूँ धूमकेतु के ऊपर, आज उसका प्रैक्टिकल भी साथ में कर देता हूँ। ये मैं ज़रा दोस्तों स्टैंड लगा लूँ, बस 1 मिनट दें मुझे आप, और मेरे आने तक आपने वेट करना है, कहीं नहीं जाना, मैं कबूतर लेके आया। ये भी एक दोस्त की अच्छी सजेशन थी कि साथ में कबूतर पकड़ लिया करें, ठीक है, तो बस 1 मिनट दें। दोस्तों 1 मिनट बस प्लीज। ये दोस्तों स्टैंड गया लग, अब मैं कबूतर एक पकड़ के लाया, तब तक आप वेट करें, बस 1 मिनट। लें दोस्तों आज आपको, चलो साथ में प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। वैसे ये मेरा कबूतर गया आ, ये लें जी दोस्तों, ये दोस्तों पहले तो शौक करें इस कबूतर का। अब ये देखें, अब ये गांठ देख रहे हैं, ये कबूतर है एक गांठ का। अब ये मैंने दुम को उसकी ज़रा पारा इसके छोटे हैं। अब ये देखें, मैं बात कर रहा था इस हिस्से की, अब ये हिस्सा इस कबूतर का कितना है ये आप देख रहे हैं, ये बनता है 2 से 3 उंगलियां भी नहीं बनती, ठीक है, ये देख ले। अब ये बात कर रहा हूँ मैं इस धूमकेतु की, ये धूमकेतु, ये देख रहे हैं, ये गांठ है इसकी। अब यहाँ से ये कबूतर अपनी धूम को समेट रहा है, इसको हम कैंची लगाना कहते हैं, ये देख रहे हैं। अब ये कबूतर
का ज़रा फ्रंट ऊपर से देखें, ये वाला फ्रंट और ये इसका बैक वाला हिस्सा। अब इसकी दुम का हिस्सा देखें, ठीक है, ये दुम, ये देख रहे हैं क्या दुम, ये दुम कदा होता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप लोग कबूतर को पकड़ के देखें ना, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से जो ये वाला जोड़ होता है, अगर यहाँ से ये गांठ मोटी हो जाएगी कबूतर की, ये वाला हिस्सा गांठ का मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब बात जो आज का टॉपिक था, ये वाली जो गांठ थी इसका बारीक होना था। अब ये देखें, अब यहाँ से अगर गांठ चौड़ी हो जाएगी, फ़र्ज़ करें यहाँ से ये गांठ ऐसे चौड़ी हो जाएगी, अब मैं हाथ से पकड़ के ऐसे चौड़ा कर रहा हूँ इसे, तो दुम ऑटोमेटिकली, ये देख रहे हैं, दुम ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ये अपनी असल हालत में दुम है, ये देख रहे हैं डेढ़ पत्ता दुम है इस कबूतर की, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो गांठ के मुतल्लिक है। अब ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल दुम है, छोड़ी हुई है मैंने, नहीं पकड़ी हुई कहीं भी, ठीक है, डेढ़ पत्ता इसकी ओरिजिनल दुम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना, ये वाला जो हिस्सा है, गांठ है इसकी, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और ये प्रेस करता हूँ, गांठ चौड़ी हो रही है। जी जी नसीम अरशद भाई क्या हाल है, गांठ चौड़ी हो रही है और कबूतर की दुम भी खुल रही है, ये देख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा, अब कबूतर का मैं बात करता हूँ छठे और सातवें पर की, ये वैसे पर थोड़े से निकाल रहा है, दो चार छः और दरमियान वाला पर, ये दो चार और छः, ये दरमियान वाला पर बन रहा है, ठीक है, ये वाला। अभी जो मैंने बात की थी, एक तरफ से छठा और एक तरफ से सातवां पर, ठीक है, ये वाला पर, अभी ये कबूतर मेरा दुम निकाल रहा है, ठीक है। अब ये मैं पर की बात कर रहा था, दुम के पर की बात कर रहा था। अब ये तीली देख रहे हैं इसकी, अभी मैंने तीली की भी बात की, चले ये तो जेन में ही नहीं था, लेकिन चले रखते हैं इसको साथ साथ। अब ये दोस्तों दोनों की तीली भी देख लें, ये देख रहे हैं दोनों की तीली और चमक दोनों की, दोनों का पेपर देख रहे हैं, चलो ये तो जेन में नहीं थी बात, साथ में ये भी आ गई, ये देख रहे हैं, ये पेपर, इसका तो पेपर और ये पेपर, ये तीली देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था जो दुम का देख, कबूतर का अगर दुम का दाम मोटा हो जाएगा तो कबूतर की दुम ऑटोमेटिकली खुली हो जाएगी। अब इसकी दुम दुमकदा बिल्कुल बारीक है और दुम भी बारीक है, दुमकदा चौड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, कबूतर की दुम भी जो है ना वो चौड़ी हो जाएगी। और कबूतर जब परवाज़ करता है तो परवाज़ के दौरान वापसी जो है ना वो कबूतर की दुम के सर के ऊपर होती है, किसके किस पर होती है, दुम के बलबूते के ऊपर होती है। अगर दुम अच्छी नहीं होगी तो कबूतर हवा में भी नहीं बैठेगा, गर्मी में भी नहीं बैठेगा, ये बात जहन में रख लें। और मेरे इस कबूतर की मैंने आज एक अनोखी बात आप लोगों को फिर बताई है, इस कबूतर की तीली देख रहे हैं, चपटी तीली है, गोल तीली नहीं है, ठीक है, क्या है, चपटी तीली, बारीक तीली। ये इसका पेपर देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक पेपर है, लाइट, बिल्कुल लाइट वेट, ठीक है। तो ये थी आज की टॉपिक, साथ में बता भी दिया कि ये कुछ करना है। अब ज़रा शौक़ कर ले मेरे इस परिंदे का, शौक करें ये मेरा मियाँ साहब वाली ब्लड लाइन से सलारा कबूतर, ये शौक करें इसको, ये मेरी जिंद जान कबूतर है, ये देख रहे हैं, ये मेरे सलारे कबूतर है माशाल्लाह, ठीक है। ये पर देख लें इसका, रिदम और सीक्वेंस देखें, पर देख रहे हैं, बनावट देख रहे हैं, ये पलक येलो नहीं है, सफेद पलक है, येलो पलक नहीं है, अब ये शो कर ले, देखिए पेपर चमक देख रहे हैं परों के अंदर, इसका बनावट देख रहे हैं कबूतर की, क्या बनावट है। अब ये बगल देख रहे हैं, सीक्वेंस चेक कर रहे हैं और इसकी वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं कबूतर की, ये ले, ये वाइब्रेट कर रहा है, क्या है, अल्लाह लंबी उम्र करे मियाँ साहब की, चेक करें, देख रहे हैं
ये देखिए ये सलारे कबूतर है माशाल्लाह, पर देखिए माशाल्लाह ये रात का वक़्त है, किसी दिन इंशाल्लाह ये लें जी एक बार फिर देख लें। कबूतर का मुंह देखें, थुन्नी देखें, बनावट इसकी देखें माशाल्लाह, ये देखें ये फुल भी है इसका। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये देखें ये मेरे जिंद जान कबूतर हैं जिनकी चुम्मी लेने को दिल करता है माशाल्लाह, बहुत प्यारे कबूतर। अच्छा दोस्तों, फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हैं ये दुम का था, ये दुम का साइज़ देख रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपने एक और चीज़ नोट की होगी मेरे इन कबूतरों के, ये देख लें ये कबूतर अभी क्रीज में है, लेकिन इसके लंगोट नीचे से कितने कितने इतने इतने, ये इसके लंगोट है। थैंक यू जीबू भाई, बासत भाई ले लें, गिफ्ट ले लें यार। ये इसके पंजे भी देखें एकदम। अच्छा दोस्तों, मैं रिपीट करता हूँ, हमेशा सारे साझा कराम कहते हैं कि कबूतर की जो दुम है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। बारीक दुम तभी होगी दुम कदा अगर जो है ना वो बारीक होगा। दुम कदा अगर मोटा होगा दोस्तों तो कभी भी दुम बारीक नहीं हो सकती। और इसके अलावा ये मेरा कबूतर देख रहे हैं, हमेशा अच्छी दुम वो होती है, बेस्ट दुम जिसे कहते हैं ना, वो ये होती है जो यहाँ से कैंची लगे। क्या हो? यहाँ से कैंची लगे, दुम यहाँ से कैंची लगाए, वो दुम अच्छी दुम होती है। ठीक है, ये परों की बनावट, ये उन्हें घर से निकाल दो, वो दूसरे पॉइंट को भी सिरे चढ़ जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं रिपीट करता हूँ कि दुम का दाम मोटा अगर होगा तो कबूतर की परवाज़ में बिल्कुल क्या आधे से ज़्यादा भी फ़र्क पड़ेगा। ठंडे मौसम में कबूतर खुली दुम वाले उड़ जाते हैं, लेकिन बंद दुम वाला कबूतर कभी भी जो है ना वो गर्म मौसम के अंदर नहीं उड़ा। दुम का दाम मोटा तो दुम मोटी, दुम का दाम मोटा तो जोड़ा आपका ख़राब। जो बच्चे दुम कदे मोटे वाले निकालता है, दुम खुली वाले निकालता है, वो जोड़े घर से निकाल दो। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप अपने बच्चों का पेट काट के कबूतरों को देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें, म्यारी और अच्छे कबूतर रखें, चंद रखें। अगर घर आपके घर में 100 जोड़ा है ना, 100 जोड़े में से 3 जोड़े भी पूरे परफेक्ट बना लो ना, तो एक साल के अंदर उन्हीं में से 100 जोड़े बन जाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते। यहाँ पर मैं खलीफा नुमान भट्ट की यहाँ पर एक बात कोट करूँगा, जब मैंने एक उनका इंटरव्यू किया था ना तो उन्होंने कहा था कि मैंने हज़ारों कबूतर थे जिनमें से चंद एक कबूतर रखे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे थे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक था वो दुमकदे के ऊपर था। अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। कल दोबारा दोस्तों याद रखिएगा, कल शानी खोखर साहब का इंटरव्यू है, बड़ा मज़ा आएगा, बड़े ही अच्छे कबूतर हैं, मियाँ नज़ीर साहब वाले पुराने कबूतर हैं। कल इंशाल्लाह को 12 बजे के करीब लाइव आऊँगा, कल दिन को लाजमी मेरे साथ रहिएगा। कल इंशाल्लाह 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 बहुत मज़ा आएगा आपको। अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों जाने से पहले, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतर पाजी के राज़ और मोज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आप दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह।